हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन रेल टीवी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हजूर साहिब नांदेड़ और पूर्णा जंक्शन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना होने को आया है। और दोस्तों, फाइनली पूर्णा जंक्शन पर एक दूसरे को जोड़ने वाले बड़े पोल्स को भी जोड़ दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह निवेदन है कि सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चल रहा फाउंडेशन का काम 98% तक पूरा हो चुका है। बस कुछ ही फाउंडेशन का काम जो है वो अभी चल रहा है। दोस्तों, नांदेड़ और वानीगांव स्टेशन के बीच कई सारे फाउंडेशन बन चुके हैं, लेकिन वानीगांव स्टेशन के आउटर में कुछ कुछ फाउंडेशन का काम अभी भी बाकी है। वानीगांव स्टेशन पर फाउंडेशन का काम कब का हो चुका है, लेकिन अभी तक उन फाउंडेशन में पोल्स को खड़ा नहीं किया है। दोस्तों, वानेगांव और लिंबगांव स्टेशन के बीच फाउंडेशन का काम लगभग पूरा ही हो चुका है। दोस्तों, लिंबगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी फाउंडेशन का काम कब का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पोल्स को फाउंडेशन में खड़ा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हमारी ट्रेन लिंबगांव स्टेशन से बाहर निकलती है, तो हमें यहाँ पर पोल्स फाउंडेशन में खड़े हुए देखने को मिलते हैं।
लिम्बगांव और चुड़ावा स्टेशन के बीच काफी सारे पोल्स फाउंडेशन में खड़े किए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ पोल्स को फाउंडेशन में खड़ा करना बाकी है। दोस्तों चुड़ावा स्टेशन पर बड़े पोल्स कब के आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक फाउंडेशन में खड़ा नहीं किया है। जल्द ही इन बड़े पोल्स को फाउंडेशन में खड़ा कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा कि चुड़ावा और पूर्णा स्टेशन के बीच काफी सारे पोल्स को फाउंडेशन में खड़ा किया है, लेकिन कुछ कुछ पोल्स को अभी भी खड़ा करना बाकी है। और दोस्तों अभी हमारी ट्रेन एंटर हो रही थी पूर्णा जंक्शन में, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटर में एक दूसरे को जोड़ने वाले बड़े पोल्स को भी जोड़ दिया गया है। जल्द ही इन बड़े पोल्स पर ब्रैकेट्स लगाने का काम भी शुरू होने वाला है। दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।